मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गए। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करेंगे तो वहीं कांग्रेस आपके दफ्तर का घेराव करेगी। दिल्ली बीजेपी के सभी प्रमुख चौराहों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इस दौरान बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ जन जनगणना अभियान भी चलाएगी। सुबह करीब 10:30 बजे ITO राजीव चौक, खानपुर, शास्त्री नगर समेत दिल्ली के कई इलाकों में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की याचिका को सुनने से इनकार करके उनको आईना दिखा दिया है। दिल्ली बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ कर दिया है कि अब आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को प्रशासनिक और न्यायिक मामले में नियम के अनुसार चलना होगा। बीजेपी ने एक बार फिर से आरोप लगाते हुए कहा है कि शराब की दुकान खोलने के लिए केजरीवाल सरकार ने स्कूल, धार्मिक स्थल या फिर रिहायशी इलाकों को भी नहीं छोड़ा। दिल्ली के युवाओं को भी नशे में डुबाने का षड्यंत्र केजरीवाल सरकार ने रचा है, जिसकी वजह से दिल्ली का सामाजिक ताना-बाना भी बिगड़ा। उधर दिल्ली कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर हो गई है। सुबह 11 बजे दिल्ली कांग्रेस आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करेगी।